मंत्री भंवर सिंह भाटी पहली बार बीकानेर पहुंचे हैं और उमड़ते लोग और फूलों की बारिश ये बता रही है कि इस युवा मंत्री के स्वागत में किस तरह से लोग आतुर नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं, इतना प्यार निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होगी। अब देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर क्षेत्र की जनता ने जो मान और सम्मान मुझे दिया है उसके अनुरूप ही हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने मुझे एक राज्य मंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और पूरा मंत्रिमंडल, राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से जिन उम्मीदों के साथ हमें सरकार बनाने का मौका दिया है, हम राजस्थान की जनता की उन तमाम उम्मीदों आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। फिर भी हो रही है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन दो तीन मुद्दे बीकानेर के हैं। कॉन्स्टेंट कॉलेज के लेकर लगातार बात हो रही है, कोलायत में आपने 5 लाख की कोई घोषणा की है लेकिन फिर भी अभी वहाँ जमीन नहीं है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, तो बीकानेर के लिए दो तीन बड़ी बातें। देखिए, बीकानेर के जो डूंगर कॉलेज और MS कॉलेज को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय बनाए जाने की मांग बीकानेर के विद्यार्थियों की तरफ से और बीकानेर के आमजन की तरफ से की जा रही है। हमारे द्वारा भी पिछले विपक्ष में रहते हुए ये मुद्दा उठाया गया, तो इन दोनों कॉलेजों को संगठक महाविद्यालय बनाया जाना निश्चित रूप से उचित है, लेकिन इसमें जो भी इसकी प्रक्रिया रहेगी तो मैं विभागीय अधिकारियों की मीटिंग बुला करके उनके साथ समीक्षा करके जितना जल्दी और जिस प्रकार से हो सकता है हम पूरा प्रयास करेंगे कि बीकानेर की इस जायज मांग को पूरा किया जा सके। और उसके साथ साथ कोलायत का जो राजकीय महाविद्यालय है और डूंगरगढ़ का जो राजकीय महाविद्यालय है, इन दोनों महाविद्यालयों के लिए पिछली सरकार ने जाते जाते चुनावी लाभ लेने के लिए घोषणा जरूर कर दी, लेकिन इनके लिए न तो भवन का प्रावधान किया। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि कोलायत और डूंगरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए हम अतिशीघ्र, जो आगे जो सत्र आ रहा है उससे पहले पहले हम दोनों का भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कराएं और भवन का निर्माण करवाएं। पिछली सरकारों के द्वारा जो भी राजनीतिक लाभ के लिए या राजनीतिक सोच से जो निर्णय किए गए हैं, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है और हमारी सरकार ऐसी तमाम योजनाएं या ऐसे तमाम कार्य जो शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले हैं, उन कार्यों को तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, उनको और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और सिर्फ जो राजनीतिक सोच के लिए जो कार्य पिछली सरकार ने किए हैं उन कार्यों की समीक्षा की जाएगी और उन कार्यों में यदि कोई कमियां खामियां हैं तो उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो भंवर सिंह भाटी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उम्मीदें जनता लगा रही है, बीकाना लगा रहा है, उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।